अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। यहाँ बन रहे हमारे गरम गरम पराठे, थोड़े लोगों को ये पसंद आते गाइस। तो गाइस ये मैं ऑनियन वाला अंडा बना रही हूँ आज। इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली मैं, थोड़ी लाल मिर्ची, थोड़ी हल्दी का पाउडर एंड थोड़ी काली मिर्ची और थोड़ा नमक, बस सिंपल बनाती हूँ। बिकॉज हरी मिर्ची ना नहीं खाते हमारे पास ज़्यादा, शोए बेकी खाते। तो ये बन रहा हमारा ऑनियन वाला अंडा, ज़बरदस्त। ठीक है, चलो अब नाश्ता करके मिलती हूँ मैं आपसे। सीधा और भी डालना है मेरे को, ठीक है, और टिफ़िन भी बनना है, मिलती हूँ मैं आपसे। नाश्ता हो गया, अभी पीएंगे चाय। और एक हाथ से फ़ोन पकड़ो, एक हाथ से कटिंग करो इसको। बापो थाट है गाइस। मैं दूध ये डाल रही हूँ, मैं पत्ती। तो ना आज शोएब को फीवर है, तो ऑफिस के वास्ते रेडी हो गए थे, लेकिन फीवर थोड़ा ज़्यादा हो गया बुखार, तो इसलिए आज शोएब नहीं जा रहे। तो उनके वास्ते अच्छी मसालेदार चाय बना रही हूँ आज ना, न्यू कप्स में चाय पीऊँगी। कप्स तो महीने में हमारे कितने की होते रहते गाइस। जब न्यू कप्स में पीते ना मूड सही रहता। तो चलो ये रख देती हूँ, इसे वॉश कर ली मैं, ठीक है। अब इसमें डालेंगे मैं चाय। चाय कहाँ तक पहुँचे भाई आप, चलो जल्दी बनो। बस यो आपको पूछी मैं मसाला डालना, तो उन्होंने बोले नहीं खाली इलायची डालो, बोले तो खाली इलायची डाली, मैं मसाला नहीं डाली। तो दिखाती है आप लोग को क्या कर रहे हैं। ऑफिस नहीं गए ना, तो घर से काम कर रहे हैं। सलाम कर लो। सलाम अलैकुम। स्वेटर पहन के फीवर आ गया शोएब को आज, तो घर से काम कर रहे शोएब, देख सकते हैं आप लोग। चल लाओ। हाँ ना। नाश्ता कैसा था? बहुत यम्मी था, बहुत यम्मी, तो बहुत मस्त था। बुखार कैसा है? डाल लिए टैबलेट्स? डाला अभी, थोड़ा बेटर है। अच्छा ही लेके आती हूँ, डिस्टर्बेंस नहीं। तो ये बन गई हमारी गरम गरम चाय, रोज अकेली पीती हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। ये देख के कॉल सेंटर समझेंगे हमारे हस्बैंड को, क्या भी कॉल सेंटर हमें नहीं करते भाई। अच्छे प्रोफेशनल है, अच्छे ज़बरदस्त जॉब करते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कटन्स दिखाई थी ना मैं लास्ट व्लॉग में, शेयर करी थी आपके साथ, तो अभी ये कटन्स चेंज करेंगे अपन। दीवान खाने में तो ये कटन्स है, ये बेस्ट है, गर्म रहते ये, बिकॉज यहाँ से सर्दी बहुत आती मालूम। तो बस इसके कटन्स चेंज करेंगे अपन, इसको वॉश करने डालेंगे, फिर अब निकाल नहीं सकते, मेरे को ऊपर चढ़ना पड़ता। ठीक है, मैं निकाल के मिलती हूँ आपसे। यारी भाई, तो ये कटन्स लगाएंगे अपन। तो एक चीज़ दिखा देते, ये ना शोहेब के फेवरेट शो पीस है, मतलब शोएब के बचपन के, तभी तक मेरे पास है ये। मतलब हस्बैंड के बचपन के चीज़ा मिले तो अपन संभाल के रखते ना, तो मैं ऐसे संभाल के रखी थी, तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो शोएब बचपन में इसको रो के लिए थे, कुछ थी इसकी स्टोरी, तो लिए थे बस। यहाँ थोड़ा कमान निकल गया, इसका कमान टूट गया थी ना शोएब के मेमोरीज। तो ना अली ना ये भी लेके आ गए, देखो ये भी दिखाने, देखो इसकी लाइट काम नहीं कर रही, तो ये भी लेके आया अली, दिखाओ बोल के। अली आप ये खेल रहे थे ना, उसलिए ख़राब हो गया। ठीक है, इसको वॉश करेंगे। टमाटे हरी मिर्ची डाल दी, थोड़ी मिर्ची डालती हूँ बिकॉज हरी मिर्ची ज़्यादा डाली मैं, एंड हल्दी। हल्दी कल चूल्हे पे चढ़ गई, एंड ये भी थोड़ा बहुत घर क्लीन हो गया आज, थोड़ी थोड़ी डस्टिंग हुई थी घर की। ठीक है, तो चलो मिलती हूँ मैं, दाल गले बाद। तो नमाज़ हो गई मेरी गाइस, तो अभी दाल बना रही हूँ मैं। दाल रख के गैस पे नमाज़ पढ़ने गई थी फ्रेश होके। तो उधर दाल बन रही हमारी, और इधर मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ गाइस। सूखा चिकन बना रही हूँ मैं, तो बहुत ज़बरदस्त रहता। आज का लंच है हमारा ये। थोड़ा पानी डालती हूँ मैं, बिकॉज ना प्याज अच्छे से गल जाती है और भी। ठीक है, बर्तन में बघा रही हूँ दाल।
तो इसमें ना इसकी स्मोकी अलग रहती और हमारी बिल्ली सतार इधर। मिट्टी के बर्तन में बगाड़ते ना पकाए बाद में आहा खतरनाक स्मेल रहती, स्मोकी इतनी अच्छी रहती इसकी। देखो गैस ऑफ करे बाद में भी बर्तन में पक रहा है, मतलब ये खासियत है मिट्टी के बर्तन में। रेडी हो गया, अभी खाना है। सॉरी मैं ना कटन चेंज करूँगी, बोले भूल गई गाइस, कल चेंज कर लेंगे, चलता ठीक है या खाना खा के। तो चिकन फाइनल लुक दिखा रही हूँ मैं, हो गया गाइस। बस शेफ को ऐसी पसंद। चलो अब सीधा लंच करके मिलेंगे आपसे। इधर देखो शेफ की फुल फीवर है। शेफ ओए सोरे गाइस, बस दुआ करो आप लोग इनके वास्ते। अभी हॉस्पिटल भी जाके आए उन्होंने फ्रेंड्स के साथ, उनके फ्रेंड आए थे हॉस्पिटल को लेके जाके आए अभी। और खाना नको खा बोले, रोटी खा बोले, तो उन्होंने खाना खा लेके गए थे लंच में, तो शाम से अपन रोटी देंगे। शोहेब शोहेब वही कैसा है? ऐसा है थोड़ा कम है। तो गाइस इनके वास्ते दुआ करो, नहीं दुआ करना। हाँ दुआ करो यार प्लीज। ठीक है सो जाओ। ऑफिस हो गया था, उसके बाद में ना शुएब को फीवर चढ़ा था, बिकॉज़ जब ऑफिस नहीं जाते ना तो घर से करो बोलते उन लोग, तो थोड़ा था समझे शुएब फीवर करे, लेकिन क्या हुआ बोले तो ज़्यादा हो गया फीवर। लोग दुआ करो गाइस शोएब के लिए, जल्दी फीवर कम हो जाना है, तो हमारे घर के बड़े हैं उन्होंने बोर हो जाता। कुर्सियाँ देखो आप लोगों से बातें करते करते कैसा जमा दी मैं, बिकॉज़ यहाँ पर शोएब का हो गया बाद में ना पसारा ऐसी पड़े हुआ था, अली के टॉयज भी ऐसे ही रहते यहाँ पर। लाइट ऑफ। क्लीन कर दी मैं, बंद कर देती हूँ, बिल्ली बहुत सताती है हमारी। मोरा नाखिबा को टेबल्स लिखो बोले तो लिखे नाखिबा, वेरी गुड नाखिबा। ठीक है मैं चेक करती हूँ अब। अभी नवा को भी मैथ्स पढ़ाना है, तो इन लोग का टाइम है अभी इवनिंग में पढ़ने का गाइस, तो फिर पढ़े बाद में मैं मिलती हूँ आपसे। ठीक है आज थोड़ा मूड ऑफ है, बिकॉज ना सडन जो आपको फीवर चढ़ गया, सुबह में अच्छे थे तो सर्दी हो गई थी एकदम फुल, तो छुट्टी ले लिए समझो, अच्छा हुआ छुट्टी लिए, सो बिकॉज ना फुल फीवर चढ़ गया था। लंच थोड़ा खाए बोले मेरे को सर्दी हो रही बोले, फिर मैं सो जाओ बोली, फिर टैबलेट खाए सो गए, फिर इतना फीवर था, फिर उनके फ्रेंड आ गए हॉस्पिटल को लेके गए शोएब को। सोची थी कुछ स्पेशल बनाएंगे, फिर शोएब को फीवर था ना, तो फिर मैं सोची चलो दाल ही अच्छा रहता, मतलब टेस्ट रहती, कुछ भी बनाए तो ना फिर खा भी नहीं सकते, बोल के मैं थोड़ा चिकन बनाई। आज मैं बनाने वाली थी कोफ्तों का सालन, बट शोएब भी बोले थे मैं कोफ्तों का सालन बनाओ बोल के, लेकिन उनको फीवर आने से चेंज हो गया सडन। अभी जा रही हूँ चाय बनाने, अभी उठाती हूँ शोएब को, बिकॉज मगरिब में सोना अच्छा नहीं रहता। अभी 6 o'clock हो रहा, तो चाय रखेंगे, चाय पियेंगे। घर में किसी को भी फीवर या कुछ भी आता ना मूड इतना ऑफ हो जाता हमारा। तो ये था गाइस आज का व्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना, एंड दुआओं में ज़रूर याद रखना हमारी फैमिली को, आज तो स्पेशल शोएब के वास्ते दुआ करना। ठीक है अगर बोले ना तो भी नमाज में ज़रूर याद रखना, दुआ करना। फिर मिलती हूँ ज़बरदस्त व्लॉग के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़, ज़रूर मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना। ठीक है गाइस बाय।